हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घर तो ठीक ठाक लग रहा है, ये फर्नीचर हटाया नहीं अभी तक। उस कमरे में क्या है? हेलो हेलो, अंदर कोई है? हेलो, चाबी लगा के देखता हूँ। ये तो नहीं लग रही, शायद दूसरी लग जाए। ये चाबी तो लग नहीं रही। अब क्या करूं? अब तो सिर्फ एक ही तरीका है। यहां से तो कोई आ जा भी नहीं सकता। बहुत अजीब सा घाव है सर, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये गले से मांस निकाल लिया है काट के। तो शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई है। एक वजह तो ये है, दूसरा ये घाव देख के लगता है इसे शॉक भी लगा होगा। मगर सर, इस तरीके का घाव कौन से हथियार से किया जा सकता है? छाती पे खरोच के निशान है, ये घाव अलग है और ये घाव अलग है। यहाँ इसके हाथ पर भी खरोचों के निशान है सर। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, तभी ये निशान आए इसके हाथ पे और छाती पे। लेकिन एक बात है, जिस हथियार से इसका गला काटा गया है, यूं कह लो कि नोचा गया है, वो हथियार छाती पे जो निशान है और हाथ पे, उस पे यूज नहीं हुआ है। ये दोनों अलग अलग हथियार लगते हैं। मतलब सर, गला काटा एक हथियार से और छाती पे वार किया किसी दूसरे हथियार से। लग तो ऐसा ही लगा है सर। इसके शरीर में और कहीं भी और कोई निशान नहीं है। बात तो अजीब है, छाती पे और हाथ पे खरोच के निशान है, गला कुछ अजीब तरीके से काटा गया है। ये क्या? ये तो मांस का टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि उसके गले से आया है। फिर गला ही काटना था तो चाकू वगैरह से काट सकता था। ऐसा कौन सा हथियार है जिससे गले का मांस काटा और वो भी यहीं फेंक दिया? रेडी, एविडेंस बैग में डाल लो। तुम लोग सब किसी के ऑफिस में काम करते थे? जी सर। क्या काम करते थे? नितिन सर स्टेट एजेंट थे, घर वगैरह दिखाना और बिकवाने का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। आज ऑफिस आए थे? हाँ सर। तो फिर यहाँ पे कैसे पहुँच गए? पता नहीं सर, हमसे तो बोल के गए थे कि इस घर के मालिक से मिलने जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे नहीं आने वाले थे? नहीं सर। तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये यहाँ पे है? सर मैंने जब इन्हें मोबाइल पे कॉल किया तो इनका मोबाइल ऑफ था, फिर मकान मालिक को कॉल किया तो उसने बताया कि ये किसी पार्टी को यहाँ पर मकान दिखाने लाए हैं, तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आकर देखा तो इनकी लाश पड़ी थी। ये घर का मालिक कौन है? सर वकील है एक। उनको पता है इस खून के बारे में? पता नहीं सर। तो ये घर की चाबी किसके पास थी फिर? इन्हीं के पास थी सर। और किसको लेके आए थे यहाँ पे घर दिखाने, कुछ मालूम है? मालूम नहीं सर। इसे घर का एड्रेस दो जरा। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। कोई घर पे है नहीं क्या? अभिजीत, अगर घर पे कोई नहीं होता तो ऑफिस के स्टाफ ने बताया होता ना।
कोई तो होगा। कहीं जल्दी सो तो नहीं गए लोग? हो सकता है जल्दी सो गए हैं। अरे ये भी दरवाजा खुला है, गेट भी खुला। बेचारों को पता भी नहीं होगा नितिन की मौत हो गई है। सर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? होशियार रहना। कौन हो तुम लोग? अरे सर घर में कैसे घुस गए? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बंदूक नीचे कीजिए प्लीज। मैं सीआईडी को फोन करती हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए हम लोग प्लीज हमारी बात मानिए, हम लोग सीआईडी से हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ये लोग लुटेरे हैं। झूठ बोलकर हम लोगों को लूट कर ले जाएंगे। बात समझिए, हम लोग लुटेरे नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। फोन लगाओ। घंटी बज रही है। यहाँ भी बज रही है। यहाँ हेलो सीआईडी, देखिए हम लोग वाकई सीआईडी से हैं। ये फोन आपने मुझे लगाया। मैं एसीपी प्रद्युमन। माफ कीजिएगा सर, वो हम थोड़ा डर गए थे। कोई बात नहीं, लेकिन ये सब क्या है? घर को इतना सजा के रखकर अंधेरे में क्यों है? एक्चुअली आज नितिन भैया का बर्थडे है, तो उन्हें सरप्राइज करने के लिए हमने प्लान किया था, इसलिए ये सब किया। नितिन अब तक घर नहीं लौटे, पता नहीं आज इतनी देर कैसे हो गई। अरे बाबा आ जाएंगे। लेकिन सर आप लोग यहाँ कैसे? अंकल अंकल आप भी मेरे पापा के बर्थडे में आए हैं? हाँ बेटा। नहीं देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सीआईडी ऐसे ही किसी के घर पे नहीं जाती है। बताइए ना सर क्या बात है। आप लोग प्लीज जरा इस बच्ची को कमरे के अंदर ले जाइए, हमें आपको जरूरी बात बतानी है। जी चंदू। आप कौन है? मैं नितिन का बिजनेस पार्टनर और उसका दोस्त भी हूँ, और ये मेरी पत्नी है। नमस्ते, मैं नितिन की वाइफ श्वेता और ये उनकी सिस्टर श्रुति। सर बताइए ना, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आपका नाम? जी विकास। देखिए विकास जी, सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। बताइए ना सर क्या हुआ है? देखिए आपके पति नितिन का खून हो गया है। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता, भैया हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कह दीजिए झूठ है प्लीज, कह दीजिए ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। I'm sorry, श्वेता, मगर ये बात सच है। देखिए हम लोग भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खून किसने किया है। इसके लिए हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। कैसी मदद? देखिए हमें नितिन की लाश एक घर में मिली, एक खाली घर में। हम लोग यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कर सकता है ये खून। किसी पे शक है आप लोगों को? हाँ। उसी ने मेरे पति की जान ली है, उसी ने ली है मेरे पति की जान। क्या कहा आपने? उसी ने? उसने पति की जान ले ली? किसने ले ली जान? गौरी। ये गौरी कौन है? गौरी भैया की दुश्मन है, उसने कभी भी भैया को अच्छे से बिजनेस नहीं करने दिया। हमेशा यही चाहती थी कि भैया उससे बिजनेस में पीछे रहे। जरूर उसी ने ये काम किया होगा। ये सच है सर। गौरी, ये गौरी रहती कहाँ है? अरे यार तुम मेरी मजबूरी तो समझा करो यार। अरे भाई मेरा काम ही ऐसा है, ये लोग मुझे अगर आधी रात को बुलाएंगे तो मुझे आधी रात को भी आना पड़ेगा। हाँ कह रहा हूँ। ये मुस्कुराना बंद करो, अपने काम में ध्यान दो। नहीं अरे नहीं, नहीं नहीं तुमसे नहीं कह रहा हूँ यार। तुम क्यों नाराज हो रही हो यार? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं एक काम करते हैं, सुनो सुनो कल हम मिलते हैं, कल बैठ के बात करेंगे। बोल रहा हूँ ना यार कल मिलते हैं, कल बात करेंगे यार। ओके हेलो, हाँ बाय। कुछ पता चला खूनी ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था? डॉक्टर सालुंखे सर, लगता है आज कोई त्योहार है, मौन व्रत ले रखा है सालुंखे साहब ने, कुछ बोलने वाले नहीं है।
घड़ी तो फिर पता कैसे चलेगा? शायद डॉक्टर तारिका कुछ बता सके। आप भी कुछ बताइए, ये डॉक्टर तो कुछ बता नहीं रहे। एक्चुअली सर, मुझे भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सारों के सर ही बताएंगे आपको। मगर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ, वो क्या है कि सब बेहतर होगा, जो भी पूछना है आप उन्हीं से पूछिए। डॉक्टर सालुंखे, अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए, हम लोग बाद में आ जाएंगे। अरे हाँ यार, परेशानी है दया, बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि खूनी ने आखिर हथियार कौन सा इस्तेमाल किया ऐसा खून करने के लिए, और दूसरी बात, जो बात मेरे समझ में आ रही है उस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं हो जाती, जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस कुल मिला के अभी तक कुछ पता नहीं चला आपको? नहीं, पता नहीं चला। पर हाँ, ये एक बाल मिला मुझे इसके घाव पर से। बाल? हाँ बाल। किसका बाल है? पता नहीं किसका है यार, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। अरे किसका फोन था? काट तो दिया, उठाना चाहिए था ना। रेडी? सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा किया फोन काट दिया, काम के बीच में परेशान करते रहते लोग। कई दूसरों के काम के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और कुछ पता चला डॉक्टर साहब? और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। सर एक बात तो कंफर्म है, ये कटा हुआ मांस इस लाश का ही है। ओह, किसी ने सीधे इसके गले पे किसी ऐसे चीज से वार किया है जिसकी वजह से इसके गले की जुगुलर वेंस कट गई है। और बॉस, हमला होते वक्त इस आदमी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई की होगी। ये देखो, इसके शरीर पर ये खरोंच के निशान इसीलिए हैं। पर एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही डॉक्टर साहब, कि नितिन के गले का जो मांस का टुकड़ा था वो वहां दूसरे कमरे में कैसे पहुंचा। नितिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन बंद ही क्यों करता है ये? अब कॉल करेगा तो मैं अपना फोन ही बंद कर दूंगी। गौरी जी, आप लोग कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम मेरे घर पर? ऐसे ही सोचा, जरा घूम के आए। कि आपको घूमने की जगह लग रही है? नहीं, फिर भी सोचा घूम कर आए। आप लोग सीधे सीधे बताते कि उन्हें की बात क्या है? बात ये है गौरी कि नितिन का खून हो गया। क्या? नितिन का खून हो गया? हाँ। नितिन का खून नहीं हो सकता, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कमाल है सर, आंसू तो एकदम असली लग रहे हैं। हाँ, और एक्टिंग भी अच्छी है। इस तरह का गंदा मजाक आप लोग को शोभा नहीं देता है कि सरासर झूठ है। मैंने नितिन का खून नहीं किया है। अब हमने कब कहा कि नितिन का खून तुमने किया? वो तो हम ढूंढ ही लेंगे जल्दी कि खून किसने किया है, समझिया? नितिन का बिजनेस तुम्हारे बिजनेस से अच्छा चल रहा था, इसलिए तुमने नितिन का खून कर दिया। की बात आपको श्वेता ने बताई होगी? हाँ, श्वेता ने हमें बताया कि तुम दोनों के बीच में बार बार झगड़े होते थे बिजनेस को लेकर, है ना? वो सब एक ड्रामा था। कैसा ड्रामा? मैं और नितिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम लोग शादी करने वाले थे। हो 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 हो, तो तुम दोनों शादी करने वाले थे और इसीलिए सब झगड़े का नाटक था, श्वेता को धोखा देने के लिए, ताकि श्वेता को शक भी ना हो तुम दोनों के चक्कर के बारे में, हैं? यही था ना? जी। कल कहाँ थी तू? मैं शॉपिंग कर रही थी मार्केट में, बल्कि मैंने नितिन को फोन भी किया था, उस वक्त ऑफिस में ही था। अच्छा, नितिन ऑफिस में था। हाँ, एसीपी प्रद्युमन, सारे डिटेल्स हैं तुम्हारे पास? गुड, अभी आते हैं। आपने फोन किया था ना, बताइए डिटेल्स बताइए। सर, नितिन सर ने अपने सारे मीटिंग्स और सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे। सर, सारी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स कैंसिल कर दी? ऑफिस में कितने बजे तक थे वो? 2 बजे तक सर, और जैसा कि हमारे स्टाफ ने आपको बताया था, वो उसके बाद मालिक से मिलने गए थे चाबी वापस करने। हाँ, वो तो पता है हमें,
लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि नितिन घर की चाबी वापस देने के लिए क्यों गया घर मालिक के पास। एक्चुअली सर वो घर बिक नहीं रहा था, कई लोग देख के गए लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। वैसे वो घर बिक क्यों नहीं रहा था, मेरा मतलब है कोई डिस्प्यूट वगैरह था क्या, कोई झगड़ा? सर डिस्प्यूट वगैरह तो नहीं था लेकिन वो घर पसंद नहीं आ रहा था लोगों को। सर नितिन तो निकला था उस लॉयर के ऑफिस जाने के लिए, फिर उस घर में कैसे पहुंच गया जहां उसका खून हुआ? उस घर के मालिक से मिलते हैं, उस लॉयर महेश से, उसी से पता चल जाएगा कि नितिन उससे मिलने आया था भी या नहीं। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। कैसे सर? वो छोड़ो, अब वो कुछ नहीं बोलेगा, मैंने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। किसका मुंह बंद करने की बात हो रही थी मिस्टर महेश? कौन है आप लोग और अंदर कैसे घुसाए? हम लोग सीआईडी से, नितिन को ठिकाने लगाने की बात हो रही थी ना यहाँ पे। कौन नितिन? ये नितिन। ये नितिन? इसे तो मैं जानता हूँ सर, ये रियल इस्टेट एजेंट है, लेकिन इसे क्या हुआ? खून हुआ इसका। खून? हाँ खून, और हमें शक है कि ये खून तुमने किया है। नहीं सर मैंने इसका खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? किसका मुंह बंद करने की बात हो रही थी महेश जी? मैं तो एक गुंडे की बात कर रहा था, वो बार बार मुझे धमकी दे रहा था। क्यों धमकी दे रहा था? क्योंकि सर मैंने उसका केस लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन सर इसके खून में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर किसका हाथ है महेश जी? नितिन की लाश तुम्हारे केशवपुरी वाले घर में मिली है हमें। मेरे घर में? हाँ, कैसे? पर नितिन तो सर का घर बिकवा रहा था, तो फिर उसकी लाश वहाँ कैसे पहुँची? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। आप कौन है? जी मैं सर की असिस्टेंट रुचिका। तो फिर रुचिका जी बताइए, नितिन यहाँ पर चाबी वापस करने आया था ना? जी हाँ वो चाबी वापस करने आया था, लेकिन उसी वक्त उसे एक फोन आ गया था। किसका फोन आया था? सर ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नितिन उसी वक्त चला गया था। और सर मैं भी खुश था, कोई उस घर को देखने आया था। वो घर देखने आया कौन था? ये तो सर मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? कैसे मालूम नहीं? मालूम नहीं, मालूम नहीं कौन घर देखने आने वाला था, किसने फोन किया नितिन को। काजल एक बात पूछनी है। पूछूं? हाँ सर पूछिए। तुम्हें 1.5 साल हो गए ना यहाँ पे काम करते हुए? हाँ सर, मगर आप अचानक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसीपी साहब के साथ काम करते हुए कैसा लगा? सर उनसे तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझे तो और भी बहुत कुछ सीखना है एसीपी सर से। मगर आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? वो हमेशा मुझे डांटते रहते, कभी कभी दिमाग घूम जाता है मेरा, जी चाहता है कि एसीपी साहब की गर्दन मरोड़ दूं। अरे नहीं नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हो सर? मैं तो ये कह रहा था कि जी चाहता है कि जी जान से आपकी सेवा करूं। मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है फ्रेडी, सीआईडी की सेवा करो। सीआईडी की पता लगाओ कल शाम को 5 और 6 बजे के बीच में नितिन को कहां कहां से फोन आए थे, जल्दी। सर लगता है ये खूनी अच्छी तरह से जानता था ये नितिन लॉयर के घर पे जाने वाला है। हाँ और खूनी ये भी जानता कि बंगला बिक नहीं रहा है, इसलिए नितिन वहां भाग कर आएगा कस्टमर से मिलने के लिए। Excuse me, sir. Hello? Hello? अरे कोई बोलता क्यों नहीं, कौन बोल रहा है? क्या हुआ, किसका फोन था? सर पता नहीं, ये कोई बात नहीं करता सर। हाँ तो सर फिर से वही नंबर, लगता है सर कोई परेशान कर रहा है। परेशान सीआईडी वाले को? कोई भी आदमी है इसे सीआईडी वाले को परेशान नहीं करेगा, वो जानता है कि सीआईडी वाले उसका नंबर ट्रेस करेंगे। किसी लड़की का चक्कर है क्या? अरे नहीं सर ऐसी। तो फिर हंस क्यों रहे हो सर? हाँ हाँ, नितिन के मोबाइल पे जो जो फोन आए थे उन सब की लिस्ट आ गई है सर, और आखिरी फोन खार के किसी पीसीओ से आया था। आखिरी फोन खार के किसी पीसीओ से? ये आदमी भाग क्यों रहा है? पता नहीं कुछ किया होगा इसने। ए रुक, ए रुक, भागता किधर है? इधर आ, भागता कहाँ है? हाँ क्या चोरी करके भाग रहा था? माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, मजबूरी में चोरी की है साहब, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बच्चों के नाम पे चोरी करता फिरता है तू? झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब,
आप चाहो तो मेरी कोली में चल के देख लो। इतनी भूख लगी है तो काम क्यों नहीं करता? काम कोई देगा तो करेगा ना। बहुत दिनों से काम की तलाश में भटक रहा हूँ। काम मांगने जाता हूँ तो भगा देते, कोई नहीं देता। काम करेगा जी। एक कार्ड रख और इस पते पे कल पहुँच जाना, काम मिल जाएगा तुझे, ठीक है जी। और ये पैसे रख, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान ले लेना, और आइंदा कभी चोरी मत करना, क्योंकि चोरी करेगा तो जेल जाएगा और फिर तेरे बच्चे भूखे मरेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्यों? पीसी वाले को पता नहीं चला कोई चोरी करके भाग रहा था, उसने कुछ आवाज भी नहीं की और चुपचाप बैठा रहा। कमाल, चल के पूछते। उस आदमी ने चोरी की यहाँ से, आपको पता नहीं चला? हाँ, कुछ आवाज तो हुई थी, उसी से समझ में आया। ओह सॉरी, हमें लगा आपने चोरी होते हुए देखा और फिर भी चुपचाप बैठे रहे। हमें आपकी मदद चाहिए। बोलिए साहब, मैं क्या मदद कर सकता हूँ किसी की? हम लोग CID से हैं, एक खून के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। खून? मगर साहब यहाँ तो किसी का खून नहीं हुआ। देखिए, खून यहाँ पे नहीं हुआ, जिस आदमी का खून किया गया है उसे यहाँ से किसी ने फोन किया था। अच्छा, क्या आप बता सकते कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच यहाँ से किसी ने फोन किया था? किसी से केशवपुरी में मिलने की बात कर रहा था वो? हाँ मैडम, कल एक आदमी आया था 5 से 6 बजे के बीच में, पर जब वो आदमी फोन कर रहा था उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। कैसी बदबू? जैसी छोटे जानवर में से आती है। क्या कोई जानवर था उसके साथ जो यहाँ फोन करने आया था? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं लगा। डॉक्टर साहब, अभी तक ये पता नहीं चला कि खून किस हथियार से किया गया। हथियार का पता तो चल गया है बॉस। तो फिर अभी तक बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि शायद आप लोगों को विश्वास नहीं हो। अरे डॉक्टर साहब, जो है सो है, इसमें विश्वास करने वाली क्या बात है? चलो ठीक है, तो बता देता हूँ बॉस। इस आदमी का खून एक कुत्ते ने किया है। खून एक कुत्ते ने किया? हाँ, वो जो बाल मिला था हमें इसके घाव पर से, वो बाल एक कुत्ते का था। मगर एक कुत्ता खून कैसे कर सकता है? कर सकता है काजल, अगर कुत्ते को ट्रेन किया जाए तो कुत्ता भी खून कर सकता है। इसके शरीर पर जो खरोंचों के निशान हैं, वो इस बात को जाहिर करते हैं कि इस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए जरूर हाथापाई की होगी। जो आदमी पीसीओ पे फोन करने आया था उसमें से जानवर की बदबू आ रही थी, कहीं उसी आदमी ने तो खून नहीं किया? हो सकता है। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि वो खूनी पीसीओ के आसपास रहता होगा। उस पीसीओ के आसपास जाके पता करते हैं कि वहाँ कोई डॉग ट्रेनिंग सेंटर है क्या। अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं, आपको पता है ना कौन सी जगह है ये? अच्छी तरह से पता है, डॉग ट्रेनिंग सेंटर है ये। अरे मालूम है तो बताना चाहिए ना, अगर कोई कुत्ता काट ले तो बाहर लिखना चाहिए था ना, कुत्तों से सावधान, बेवेयर ऑफ डॉग्स। वैसे है कौन आप लोग? CID। हमसे कोई गलती हो गई क्या? हमारे पास परमिशन भी है और लाइसेंस भी। लोगों की जान लेने का भी लाइसेंस है? कुत्तों को जान लेना सिखा रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ये आपको किसने कह दिया सर? बेड़ी पड़ो, क्या कर रहे हो हैं? यहाँ पे तमाशा मत करो, समझे? सर डरिए मत, काटेगा नहीं। अभी अभी तो आपने कहा था कि ये कुत्ते काटते भी है। सर वो आपको डराने के लिए बोला था। सर लगता है आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, हम अपने कुत्तों को ऐसा काम नहीं सिखाते। देखिए, आपके यहाँ के किसी एक कुत्ते ने एक स्टेट एजेंट नितिन का खून कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है, उस कुत्ते को सिर्फ यही सिखाया गया कि आदमी की जान कैसे लेनी है। सभी कुत्ते यही हैं या इनके अलावा और भी हैं? जी हमारा एक ट्रेनर कल से नहीं आ रहा है और एक कुत्ता उसके साथ है। कहाँ पे गया, कुछ मालूम है तुम्हें? जी कुछ बता के तो नहीं गया, लेकिन हम लोगों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है, कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, उसका एड्रेस लेकर आओ। अरे दरवाजा खुला है, कोई है घर? माय गॉड, लगता है इस ट्रेनर का भी खून हो गया। रेडी जा चेक करो। पेट पे 3-3 वारे चाकू के। ये आवाज कहां से आ रही है? उस आवाज शायद यहां से आ रही है। ये देखिए सर, तो यहाँ पे है कुत्ता। सर कहीं इस कुत्ते ने तो नहीं मार दिया ट्रेनर को? नहीं फ्रेडी, ये कुत्ता रो रहा है, मालिक का मौत का दुख है इसे।
दुनिया का सबसे वफादार जानवर कभी भी अपने मालिक पे हमला नहीं करेगा जब तक कि इसे कोई गलत ट्रेनिंग ना दी गई हो। सर, जब हम लोग यहाँ आए थे तो दरवाजा खुला था, शायद ये ट्रेनर खूनी को जानता था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये ट्रेनर नितिन के खून में मिला हो। एक काम करो, घर को जरा अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। ये देखिए सर, एक बैग मिला है नोटों से भरा हुआ। यह है नितिन का खून करने की कीमत, जिसकी कीमत इस ट्रेनर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और इन सब के बीच में फंस गया बेचारा ये कुत्ता। काम करो, लाश को और कुत्ते को फॉरेंसिक लैब भेज दो। नारिका, जरा कुत्ते के सलाइवा का नमूना लो। चल। अरे फ्रेडी, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर वहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ए हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज कर रहा हूँ? ये फॉरेंसिक लैब है, तुम्हारा जिम नहीं है। एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है सर, कुत्ते को देखकर उसकी हवा निकल गई है। ओह माय गॉड, लानत है यार फ्रेडी तुम पर है, पूरी सीआईडी की नाक कटा दी तुमने। अरे का, ये कुत्ते के सलाइवा का सैंपल तुम नहीं लोगी, ये फ्रेडी सर ले। अरे सर रुक, सैंपल लो चुपचाप और दिखा दो सारी दुनिया को कि सीआईडी का इंस्पेक्टर निडर होता है। निडर? रेडी, ऑर्डर इज इन ऑर्डर, चलो। हाँ तो दया, जैसा कि हम देख रहे हैं इस ट्रेनर के पेट पर चाकू के 3 वार हैं। लेकिन बॉस मैं तुम्हें बता दूं कि इस आदमी की मौत चाकू के पहले ही वार में हो गई थी। फिर दोबारा वार क्यों किया? बॉस या तो खूनी बहुत ही अनाड़ी था, उसे पता ही नहीं चला कि इसकी मौत पहले ही वार में हो गई है, या फिर वो इतने जुनून में था कि उसने देखा ही नहीं और वार करता ही चला गया। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये नितिन के गले में जो सलाइवा है वो इस कुत्ते का है? बॉस डीएनए मैच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा है कि नहीं। इस नितिन की बॉडी के पास में से तुम्हें जो चेन और लॉकेट मिला था, बस उस पे फेरामोन स्प्रे किया गया। फेरामोन? हाँ, इस केमिकल से एक खास किस्म की गंध निकलती है जो एक ट्रिगर का काम करती है, और फेरामोन कई किस्म का होता है। ये अलार्म फेरामोन था। अलार्म फेरामोन? इसकी चेन पर वो फेरामोन स्प्रे किया गया जिसने एक ट्रिगर का काम किया, उस कुत्ते को ट्रेन किया गया था इसके लिए। तो किसी ने नितिन के चेन और लॉकेट पे वो केमिकल लगाया और दूर से कुत्ते को इशारा किया उस पे अटैक करने के लिए। इशारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दया, इसके चेन पर जो केमिकल लगा हुआ था उसमें से जो गंध निकली, उसने जो ट्रिगर का काम किया, उससे कुत्ता इसके गले पर झपटा, इसके गले का मांस नोचा और ये बेचारा मर गया। मतलब किसी ने कुत्ते से ये खून करवाया, लगता तो ऐसा ही। और सर, इसके कपड़ों के ऊपर से मुझे पॉपकॉर्न के कुछ टुकड़े मिले, एक मिनट में दिखाती हूँ। पॉपकॉर्न? ये देखिए सर, मरने से पहले शायद इसने पॉपकॉर्न जरूर खाया होगा। देखा, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ और तेरा दोस्त भी हूँ, अगर मुझे कुछ किया ना तो मेरी वाइफ तुझे बेलन फेंक के मारेगी। फ्रेडी सर, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ आपके साथ, ट्राई करिए, करिए सर, कुछ नहीं करेगा। हाँ सिंपल। तो चेन और लॉकेट इसकी मौत की वजह है, पर केमिकल किसने लगाया उस पे?
तो शायद ये चेन और लॉकेट किसी ने गिफ्ट किया हो नितिन को। हाँ ये हो सकता है, पर ये चेन खरीदा कहाँ से ये ढूंढना पड़ेगा। दया सर, कुछ दिनों पहले मुझे ऐसे कुछ अलग टाइप की ज्वेलरी खरीदने का मूड आया था, तब मैंने काफी फैशन मैगजीन्स में सर्च किया था और उसी में से एक मैगजीन में मुझे ये सेम डिजाइन दिखी थी। वो डिजाइनर का नाम है, हाँ वो डिजाइनर का नाम है सनाया। सनाया? हाँ, काफी फेमस डिजाइनर है सर वो। चलो इस डिजाइनर से मिलते हैं। ये कैसे लोग रखे हैं दुकान में? मैंने कुछ और मांगा था और इन्होंने कुछ और दे दिया। आप चिल्लाइए मत, मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। मैंने जिस ब्रेसलेट का पैसा दिया था ये वो नहीं है, इन्होंने कुछ और ही पैक कर दिया। ऐसी गलती तो यहाँ होती नहीं है, फिर भी दिखाइए इन्होंने कौन सा ब्रेसलेट खरीदा था। ये वाला। ये कितने का खरीदा था आपने? पूरे 15,000 का। ये 17,000 का है सर, और आप जो लेके गए हैं वो 15,000 का है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? इसने मुझे यही ब्रेसलेट पैक करने के लिए कहा था, मैंने वही पैक किया। आप चुप रहिए दोनों। एक्सक्यूज मी मैम, जरा ये चेन देखिए, ये चेन आप ही के यहाँ पे बना हुआ? दिखाइए। कितने में लिया आपने? आपका काम हो गया ना, तो आप जाइए ना। ठीक है, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैडम हम लोग CID से। CID से? आप बता सकती हैं कौन लेकर गया था चेन यहाँ से? अरे मैम सवाल ही अपने आपको, पूरा चक्कर आ गया था। थोड़ी देर पानी लेके ना, आप ठीक हो? ये लें पानी। कुछ ठीक है आप? CID का नाम सुन के बेहोश हुई या चेन देख के? ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपको मालूम है मैम ये चेन आपके यहाँ से किसने खरीदा है? इसमें नंबर लिखा होगा सर, मैं कैश बुक में देख के इंक्वायर करती हूँ। एक मिनट, जरा कैश बुक लाना। किसी श्वेता नाम की लड़की ने खरीदी थी। श्वेता? हाँ श्वेता, नितिन की बीवी श्वेता। उसने एक जैसी दो चेन खरीदी थी। दो दो चेन और दोनों एक जैसे, मतलब एक नितिन के लिए और एक कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए। आई मेरे पति का खून हुआ है और आप लोग खूनी को पकड़ने की बजाय मुझे ही बार बार परेशान किए जा रहे हैं। खूनी को तो हमने पकड़ लिया है श्वेता जी, बस उसके चेहरे से पर्दा हटाना बाकी है। कौन है खूनी? पिड़ी तुम्हें मालूम नहीं खूनी कौन है? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा? फ्रेडी वो तुम्हारा मिरर कहाँ है? मिरर? कौन सा मिरर? वही जो तुम छुपा कर रखते हो ब्यूरो में। छुपा के? फ्रेडी तुम ब्यूरो में मिरर छुपा के रखते हो? हाँ सची, और फिर छुप छुप के उस मिरर में अपनी शक्ल देखता है जब ब्यूरो में कोई नहीं होता। सर सबके सामने मेरी पैंट मत उतारिए सर। तो फिर मिरर लेकर आओ। यस सर। जल्दी। ये लीजिए सर। ये हुई ना बात, ये लो। ये देखिए श्वेता जी। पर ये तो हाँ यही है खूनी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मतलब मैं क्यों अपने पति का खून करूंगी? श्वेता जी तुम्हारे पति का अफेयर चल रहा था गौरी के साथ, और फिर वो दोनों शादी भी करने वाले थे, उससे पहले तुमने नितिन का काम तमाम कर दिया। ये सब कुछ झूठ है, मेरे पति मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो ऐसा हर चीज नहीं कर सकते। काजल दिखाओ जरा। सब इस चेन को पहचानती हो? नहीं, मैंने ये चेन पहले कभी नहीं देखी। ये लो, है ना कमाल की बात, अपने पति के गले में जो चेन थी उसे भी नहीं पहचानती जो उसके गले में थी। पर मैंने नितिन को ये चेन पहने कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ बोलकर तुम बच जाओगी? ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो तुम, क्योंकि तुमने दो चेन खरीदी, एक तुमने नितिन को दी और दूसरी उस कुत्ते को ट्रेन करने वाले को, डॉग ट्रेनर को। डॉग ट्रेनर? कैसा कुत्ता, कैसा डॉग ट्रेनर? नितिन का खून एक कुत्ते की वजह से हुआ, एक ऐसा कुत्ता जिसे सिखाया गया कि एक खास गंध को सूंघने के बाद वो हमला करे। नितिन के गले के चेन में वो गंध लगाया गया था, और जैसे ही नितिन ने दरवाजा खोला कुत्ते ने वो गंध सूंघ लिया और उसने नितिन पर हमला।
और ये सारी प्लानिंग तुमने की, खून की प्लानिंग। मेरा यकीन कीजिए सर, इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल हाथ नहीं है। जी हाँ, मेरा यकीन कीजिए, जिस किसी ने भी मेरे पति को मरवाया वो कभी सुखी नहीं रहेगा, तड़प तड़प कर मरेगा वो। निखिल सर, लेकर आओ, लेकर आओ। आइए आइए, देखिए इन्हें, क्या ये वही है? नहीं सर, ये वो नहीं है। जरा अच्छी तरह से सोच कर याद करके बताओ, क्या ये वही औरत है जिसने चेन खरीदी थी? अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो औरत जिसने चेन खरीदी, अगर वो सामने आ जाए तो पहचान लोगी? मैंने इतना ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी सर। जा सकती हो तुम। थैंक यू। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग, वो ना हो, नितिन का खून गौरी ने ही करवाया। मुझे अच्छे से याद है, जब नितिन घर से निकले तो उनके गले में कोई चेन नहीं थी। वो ना हो, ये काम जरूर गौरी का है। उसका तो हम पता लगा ही लेंगे श्वेता जी, पता लगा ही लेंगे। अगर फिलहाल तुम जा सकती हो, मगर शहर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। अगर जरूरत पड़े तो हम फिर से बुला लेंगे तुम्हें। जी सर, ये श्वेता तो कह रही थी कि जब नितिन घर से बाहर निकला तो इसके गले में कोई चेन नहीं थी, पर ये चेन आई कहां से? सचिन, नितिन अपने घर से सीधे ऑफिस गया, ऑफिस में जाकर उसने अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और फिर वहां से उस घर में गया जहां पे उसका खून हुआ। मगर सर, नितिन के ऑफिस से उस लॉयर के घर की दूरी 15 से 20 मिनट की थी और इसने ये फासला 3 घंटे में तय किया, तो मतलब इन 3 घंटों में वो था कहां? 3 घंटों में वो कहां कहां गया होगा? काम करो, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ कि नितिन का फोन उन 3 घंटों में कहां कहां गया था। सर, जरूर उन 3 घंटों में नितिन उस खूनी से मिला होगा। खूनी ने उसे चेन दी जो उसने अपने गले में पहन ली और फिर खूनी ने अपना काम तमाम कर दिया। सर, मोबाइल कंपनी से पता चल गया है कि नितिन का मोबाइल उन 3 घंटों में वीरा देसाई रोड एरिया में था। सर, वीरा देसाई रोड एरिया, वीरा देसाई रोड में क्या करने गया था नितिन? क्या करने गया होगा? सालुंखे ने बताया कि नितिन के कपड़ों में उसे पॉपकॉर्न का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिला था। वीरा देसाई रोड, पॉपकॉर्न, ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन वीरा देसाई रोड पर किसी शॉपिंग मॉल में गया था जहां पर पॉपकॉर्न भी मिलता है? शॉपिंग मॉल। सर, यही है वो मॉल जहां पे नितिन का मोबाइल 3 घंटे तक था। सचिन, पूरा पॉपकॉर्न ऑन। भाई साहब, जरा इस फोटो को देखिए। अरे सर, ये तो मर चुका है। जी हाँ, मर चुका है। अच्छा, इसे तुमने देखा यहाँ पे मॉल में आसपास कहीं? या फिर हो सकता है आपके यहाँ से पॉपकॉर्न लिया उसने? हाँ सर, लेकिन क्या काम है इससे? क्या तुमने इसे अकेले यहाँ पर देखा था या इसके साथ कोई और भी था? अरे कमाल करते हो सर, आप भी कुछ बता तो नहीं रहे और ऊपर से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। क्या इसके साथ तुमने किसी लड़की को देखा था? हाँ, लड़की तो थी सर इसके साथ। लड़की थी? और क्या याद आता है तुम्हें बताओ? और दोनों में झगड़ा भी हुआ था। किस बात पे झगड़ा हो रहा? सुना तुमने कुछ? सर, वो तो मैंने नहीं सुना। उस लड़के ने पॉपकॉर्न लिया और दूर जाकर झगड़ा करने लगे। इसके साथ जो लड़की थी उसे पहचान लोगे तुम? नहीं सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ है। मैंने तो सिर्फ इसी लड़के को देखा और बाद में दोनों में सुलह भी हो गई थी। सर, पक्का ये लड़की श्वेता गौरी में से कोई एक है? हो सकता है। सर, दो दो लड़कियां थी। चुप रहो सचिन, एक रास्ता है पता लगाने का कि नितिन के साथ वो लड़की थी कौन।
बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं पूछती हूँ कि इस मुंह से आई हो तुम यहाँ पर? मेरे पति को तो मरवा ही दिया है, अब क्या बचा है? सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। किसने बुलाया है तुम्हें? सीआईडी ने। आप लोगों ने मुझे जलाने के लिए बुलाया है यहाँ पर? बात यह श्वेता की अब तक पता नहीं चला है कि गौरी ने खून किया है भी या नहीं। आप लोगों को अब भी शक है? खून इसी ने किया है। अगर पॉपकॉर्न बेचने वाले ने खूनी का चेहरा देखा नहीं ना, मतलब ये छूट जाएगी। अब देखते हैं। वैसे अब भी हमारे पास एक गवाह है जिसने खूनी को देखा है। तो फिर देर किस बात की है? बुलाइए उस गवाह को और पकड़ लीजिए इसे। वो गवाह आज नहीं कल आएगा और खूनी को देखते ही पहचान लेगा। लेकिन वो गवाह है कौन? कोई आदमी है, औरत है, कौन है वो? ना आदमी ना औरत। तो फिर कौन है? और आप हर बार बिना बात के हंसते क्यों है? तो बात ये है श्वेता की हमारे इस ऑफिसर को बिना बात के हंसने की आदत है। तो फिर इन्हें सीआईडी में रखा क्यों है? क्योंकि हमें इतराज नहीं है इनके हंसने की, समझिए आप। क्योंकि जब भी ये ऑफिसर बात करता है सच बात करता है। क्या करता है? सच बात। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि गवाह एक कुत्ता है। लेकिन एक कुत्ता कैसे पहचानेगा खूनी को? उसकी चिंता तुम मत करो श्वेता, वो तो हम और कुत्ता देख लेंगे। सर, बेड़ी क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों? सर, अरे मुड़ के क्या देख रहे हो पीछे? वो क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ये हाथ पर क्यों काम रहे तुम्हारे? सर, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है सर, आपने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए भेज दिया, और भी तो ऑफिसर है यहाँ पे। सर ये तो अच्छा हुआ मैं कुत्ते से दूर बैठा हुआ था। मान रेडी, वो एकदम गरीब जानवर है, कुत्ता कुछ नहीं करेगा किसी को, एकदम शांत कुत्ता है। चाहे कुछ भी हो ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर कौन देखभाल करेगा कुत्ते की? कोई भी करे। और वैसे सर इस कुत्ते को यहाँ पे रखने की जरूरत क्या है? नितिन के घर ले चलते हैं, वो खूनी को पहचान लेगा, काम खत्म हो जाएगा। ये कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, भलाई इसी में है कि अगर आप में से किसी ने खून किया है तो चुपचाप एक कदम बाहर आ जाए। जल्दी बताइए किसने किया है खून? अभिजीत, लगता है खून तो किसी ने भी नहीं किया, हम देख लें। अजल, जरा हमारे गवाह को लेकर आओ। यस सर। मैं सच सच रॉकी, क्या हुआ श्रुति जी? ये रॉकी आप ही के सामने आकर के क्यों खड़ा हुआ? बात क्या है? आपका कहने का मतलब क्या है? खून मैंने किया है? रॉकी तो कह रहा है कि खून तुमने ही किया। देखिए आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी कुछ भी पकड़ो उसे। कितनी बार कहा देखा? कैसी बहन हो तुम, पैसों के लालच में अपने भाई का खून कर दिया, एक छोटी बच्ची का पिता छीन लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बताओ क्यों मारा तुमने नितिन को? वो मेरा सौतेला भाई था। ओ, सौतेला भाई है? वो मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता था। क्यों? कि मैंने उसे कई बार धोखा दिया था। अपने भाई को ही धोखा? किस तरह का? वो जो भी प्रॉपर्टी बेचता था मैं वही प्रॉपर्टी किसी और को बेच देती थी और नितिन फंस जाता था। अपने भाई को बदनाम करके पैसे कमाती थी तुम है? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई श्रुति? सौतेला ही सही,
था तो तुम्हारा भाई ना, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। और जब नितिन ने अपना मुंह खोला तो मरवा दिया तुमने उसे। हाँ, मैंने ही उस डॉग ट्रेनर को पैसे दिए थे कुत्ते को ट्रेन करने के लिए। और वो दो दो चेन वो भी तुमने ही खरीदी थी ना? मैंने उनमें से एक चेन डॉग ट्रेनर को दी थी और दूसरी नितिन को गिफ्ट की थी। तुम लोग मॉल में भी मिले थे ना, आपस में झगड़ा भी हुआ था तुम लोगों का। उसी ने मुझे वहाँ बुलाया था मिलने के लिए, और मैं वहाँ जैसे ही पहुंची उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। फिर क्या किया तुमने? मैंने उसके सामने झूठ बोला और उसे विश्वास दिला दिया कि मैं ये सब फिर कभी नहीं करूंगी, और फिर वो वहाँ से चला गया। फिर नितिन के जाने के बाद तुमने डॉग ट्रेनर को फोन किया, डॉग ट्रेनर को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, उसने कहा कि वो CID को खबर कर देगा। बड़ी चालाक हो तुम, खून करने का नया तरीका निकाला है। वाह, एक मासूम वफादार जानवर से खून करवाया, दो दो खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।